मैं बहुत विनम्रता से व्यासपीठ से एक विनय भी करना चाहता हूँ कि आजकल कई ऐसी नवल कथाएं निकल रही है, कई ऐसे चलचित्र बन रहे हैं जिसमें खबर नहीं रामायण के बारे में, रामायण के पात्रों के बारे में खबर नहीं, क्या 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 बुलवाते हैं, क्या क्या होता है। मैंने तो देखा नहीं, मैं ऐसा कुछ देखता भी नहीं है, मेरे कोई जवाब देने की भी जरूरत नहीं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठा हूँ तो विनय से कहूँगा कि आपको रामायण के बारे में कोई नाटक बनाना है, कोई फिल्म बनानी है, कोई कथा लिखनी है, आपका इंटरप्रिटेशन डालना है, अथवा तो विंडो को ध्यान में रखकर आपको चित्र बनाना है कि विंडो पर कितनी सफल होगी, आपका लक्ष्य कुछ हो और माध्यम बना देते हैं त्रिभुवनीय राम कथा को, तब मैं विनय करूँगा कि कम से कम वाल्मीकि का आधार लो, तुलसीदास जी का आधार लो। और मैं अपने आप को तो विनम्रता से कहूँगा कम से कम मुरारी बापू को पूछो। आपको ये अहंकार भी लग सकता है, लेकिन मैंने इस पर काम किया, मैं 65 ईयर्स से इस पर काम कर रहा हूं और मैं आदर दूंगा दिवंगत रामानंद सागर जी को कि आपने जब रामायण सीरियल बनाई तो दो व्यक्ति की राय ली थी आपने, एक तो परम पूज्य पंडित जी रामकिंकर जी महाराज की और दूसरे स्वयं तलगाजरड़ा आकर के बोले बापू कुछ बातें मैं पूछूं, आप हमें गाइड करें, मुझे छोड़ दीजिए, वाल्मीकि को पूछिए, ये शास्त्र है। और वाल्मीकि जी ने के ग्रंथ को संशोधित करके देश काल और पात्र के अनुसार तुलसी ने जो त्रिभुवनीय ग्रंथ दिया उसको पूछिए। आपको धन तो न मिले लेकिन परम धन मिलेगा। मैं बहुत विनय के साथ कहूंगा कि क्यों ऐसे विवाद खड़े करते हैं, क्यों ऐसी बातों में डालते हो। रामायण उपासना और साधना का ग्रंथ है, ये चलचित्र का ग्रंथ नहीं, अचल चरित्र का ग्रंथ है। चलचित्र तो आज चलता है, साल चलता है, दूसरी साल लोग भूल जाते हैं, चलचित्र नहीं है, अचल चरित्र है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो थोड़ा सा मेरा विनय भी इन लोगों के पास कान हो तो सुने, थोड़ा श्रवण विज्ञान हो तो, ये सब तो चलता ही रहता है, लोग करते ही रहते हैं।